तो फाइनली मैंने आपको बर्तन वाली गली दिखाई, जहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको एंटीक पीसेस दिखाए थे, वहाँ पे रखे हुए थे, रिजनेबल प्राइस था सबका, ब्रास था, मेटल था, एल्युमिनियम के थे। तो अभी मैं आपको होली के शॉपिंग कराती हूँ। यहाँ पे बहुत सस्ते प्राइस में होली के कलर आपको मिल जाएंगे, पिचकारी मिल जाएगी, अलग अलग टाइप की पिचकारी यहाँ पे है। मैं आपको दिखाती हूँ होलसेल दुकान कहाँ पे है और वो कितने प्राइस में देते हैं और आपको बल्क में कितने में देंगे, एक प्राइस देंगे या एक पीस देंगे या नहीं देंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक शॉप है यहाँ पे, एक्चुअली है बहुत सारी शॉप है, लेकिन एक एक्चुअली मेरे घर में भी यहाँ से पिचकारी और कलर जाता है, तो मैं आपको वहाँ पर ले कर चलती हूँ, देखते हैं उनसे बात करते हैं कि वो आपको होलसेल प्राइस कितना देंगे, पर पीस कितना देते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी बल्क में यहाँ पे पिचकारियाँ छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पे देखिए थोड़े अलग टाइप की भी पिचकारी है, सस्ते में भी है, महंगे में भी है प्राइस। ये इनका होलसेल शॉप है। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज दी गई हुई है। ये देखिए इनके पास में कितने सारे अलग अलग तरीके के कलर हैं। ये होली के लिए पिचकारी और कलर रखते हैं, प्लस दिवाली के लिए इनके पास पटाखे हैं। जब हमने शॉपिंग किया था दिवाली के लिए, तो मुझे याद है हम लोग इसी दुकान से पटाखे लेके गए थे। ये देखिए कितने सारे पिचकारी हैं, सब होलसेल प्राइस में है, मे भी आपको पर पीस नहीं मिलेगा यहाँ से। इस शॉप का नाम देखिए नेशनल ट्रेडर्स है। मैंने अंकल जी से बात नहीं किया क्योंकि वो बिज़ी थे अपने काम में, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपको दिखा देती हूँ, नेशनल ट्रेडर्स करके अंकल की दुकान है। अगर आपको होलसेल प्राइस में कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, होली के लिए, दिवाली के लिए भी। इनके पास बहुत अच्छे प्राइजेज़ हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से शॉपिंग की हुई है यहाँ पर, और हम लोग भी यहाँ पे कुछ कलर वगैरह ख़रीदेंगे यहाँ से। बट अंकल अभी बिज़ी हैं, इसलिए मैं अभी कुछ बोलूँगी नहीं उनको, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे सब। और आज थोड़ा सा ख़राब ये हो गया कि आज यहाँ की लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं और आपको शॉप पे नहीं लेके जा पा रही हूँ, लेकिन तो भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको और होलसेल दुकानें दिखाऊँ इतनी बड़ी। ये देखिए कितनी सारी दुकानें लग चुकी हैं होली के लिए। अगर आप शॉप लगा रहे हो होली के लिए तो यहाँ से बाय करिए। एक मुझे ये शॉप देखिए, गिफ्ट आइटम शॉप है क्या, इनके पास में बहुत सारे गिफ्ट आइटम हैं। ये देखिए सब आसपास ही लेन में है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ कौन सा शॉप है। ये देखिए तुलसी पायल इस शॉप का नाम है। आप जब इस मार्केट में आओगे तो आपको आसपास सब ये सब शॉप मिल जाएगी इजीली। ये कॉस्मेटिक का है,
सब होलसेल प्राइस है। एक होली का कलर का शॉप यहाँ पे, उनके पास में बहुत सारे कलर हैं। देखिए एयरिंग काफी सुंदर डिजाइन है जिसकी, सब होलसेल प्राइस है। आप एक क्लिप मांगोगे तो आपको नहीं देंगे वो, मुझे पता है। पूरा पूरा आपको बंच में खरीदना पड़ेगा ये। किचन है, चलिए किसी का प्राइस जानते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये जानते हो ये पूरा बंच कितने में भैया? ये 4 कितने पीसेस है इसमें? 12 पीसेस 204 का। गाइस आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक पीस तो मिलेगा नहीं ना, ये मैंने आपको पहले बोला था एक पीस तो मिलेगा नहीं। ये डॉल्स का बच्चों के लिए। फिर देखिए होली के लिए एक्सेसरीज है, चलिए किसी एक का प्राइस जानते हैं हम, इसका जानते हैं। ये कितने की अंकल? आपको मैंने पहले बोला था एक तो नहीं मिलेगा। 216 रुपये दर्जन है ये। मुझे एक और शॉप दिखी है जहाँ पे बहुत सारी होली के लिए एक्सेसरीज आई, कैप्स आई है, बहुत कलरफुल है। ये देखिए है मेरे पास, बहुत सुंदर लग रही है हैट्स।
आपको पूरा तो नहीं लेकिन आधा अहियागंज पूरा दिखा दिया है, बिकॉज ये बहुत बड़ा था और एक दिन में मैं कवर भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये यहाँ की लाइट भी गई हुई थी। मैं सुबह से निकली थी, शाम रात हो गई, अभी रात के 9 बजने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगर मैं इस साइड आई तो मैं पूरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, अलग मैंने आपको मार्केट में भी दिखाया है, बहुत अलग अलग टाइप की मार्केट है। तो उतना तो एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाया, अगर लाइट ना जाती तो मे भी हो जाता, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें दिखाने वाली हूँ, कपड़े दिखाने वाली हूँ, और अगर आप कोई पार्लर शॉप ओपन करने वाले हो तो वो भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पे रोमी गेट है जो भी बहुत अच्छा घूमने का प्लेस है, तो वहाँ पे लेके चलती हूँ।